हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय। अब आप देख रहे हैं मेरा प्लांटेड एक्वेरियम। ये देखिए, प्लांटेड एक्वेरियम में मैंने क्या किया है जी। पहले मैंने बायो फर्टिलाइजर डाला है, इसके बाद सैंड लगाई है। सैंड लगाने के बाद आप ये देख रहे होंगे ये छोटे छोटे पौधे हैं। ये देखिए आप, ये क्रोकोडाइल फिश है, इसको साफ कर रही है। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह के एल्गी की ग्रोथ नहीं होती है। क्रोकोडाइल फिश रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप ये देख रहे होंगे वाटर लिली का मैंने बल्ब लगा रखा था। ये देखिए इसकी रूट्स है, नीचे निकल आई है। ये वाटर लिली बल्ब जर्मिनेट किया है, ये इसकी फ्लीव्स जो है ऊपर तक जा रही हैं। साथ में देखेंगे पीछे भी एक वाटर लिली का बल्ब है, इसकी भी लीव्स जा रही हैं। ये कुछ ज़्यादातर प्लांट्स लगाए मैंने, आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए आप, इसमें एक हट डाली है मैंने, ये कोरल रीफ भी इसी में पड़ी हुई है। ये देखिए अब आप कोबाम्बा भी देख सकते हैं इसमें। अब कोबाम्बा बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये। ये देखिए, ये देखिए, ये भी इधर लीव्स इसकी जो है, बड्स जो है जर्मिनेट हो रही हैं। और मैंने ये देखिए इंटरनल फिल्टर जो होता है उसको यूज़ किया, डबल फिल्ट्रेशन। इंटरनल फिल्टर से ये जो बबल्स निकलते हैं उसको मैंने इधर बाहर एक्सटर्नल फिल्टर में लगा दिए। इससे क्या होता है, पानी का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे फ्लो में आ रहा है वाटर। आप देख सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे फ्लो में आ रहा है। इससे प्लांट्स भी नहीं डिस्टर्ब होते हैं और फिश भी नहीं डिस्टर्ब होती हैं और वाटर का फिल्ट्रेशन भी होता रहता है। तो ओवरऑल ये मेरा एक प्लांटेड एक्वेरियम है जो कि अभी अभी इंस्टॉल किया है विद इन 15 डेज में। अब इसमें ग्रोथ अच्छी होती जा रही है। विद इन फ्यू वीक्स आप इसका अपडेट देखेंगे, ये काफ़ी बेटर हो चुका होगा।